देखो ये कभी नहीं पहनना आपने, व्हाट द फक इज दिस, ये देखो जरा ये क्या है, इतना गंद उस पे मजा आ रहा है। टाइमलेस क्लासिक प्लेन शर्ट, इसका तो एंड्रयू टेट भी पहन रहा था। अब ये देखो इतने ये लगोगे ना पहन के। हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है, दिस इज योर बॉय मूसा खाना एंड वेलकम बैक येट टू अनदर ब्लॉग। तो आज की वीडियो का प्लान ये है कि हम जा रहे हैं टीजे मैक्स, एक जगह चीप क्लोथ्स मिलते हैं यहाँ पे, चीप चीजें मिलती हैं। जाने का मकसद ये है कि मैं आपको उधर जाके दिखा सकता हूँ कि इफ यू आर शॉपिंग एज अ गाय और एज अ फीमेल, फिजा भी है वो भी दिखा देगी, तो कौन सी चीजें जो आपने अवॉइड करनी है अगर आप सस्ते स्टोर में भी जाओ, कौन से मतलब कपड़े हैं जो बिल्कुल नो हैं और कौन से कपड़े हैं जिन पे आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ऑब्वियसली अगर कोई पाकिस्तान इंडिया से बैठे हो तो टीजे मैक्स नहीं है, बट बात का मतलब ये नहीं है, बात का मतलब ये अगर आप कोई चीप जगह पे भी जाते हो या कि लंडे बाजार भी जाते हो तो वहाँ पे कैसी चीज दे, क्योंकि ये यहाँ का लंडा बाजार है बेसिकली। लंडा होता है आई थिंक सेकंड न्यू, दिस इज न्यू स्टफ। ओके टीजे मैक्स इज न्यू स्टफ, बट वो जो एक सस्ते कपड़ों की दुकान भी होती है ना, लाइक अब मैं कहने का मतलब है इफ यू वॉन्ट टू लुक गुड इन योर सोसाइटी यू डोंट ऑलवेज हैव टू वेयर ब्रांडेड शर्ट, कुछ होते हैं ना जो नीट क्लीन जरा कपड़े होते हैं जो जरा प्लेन अच्छे लगते हैं। मैं आपको उस तरह के कुछ कपड़ों का बताऊंगा कि आप किस तरह अपनी लुक को एलिवेट कर सकते हैं, और फिजा लड़कियों के लिए भी बता देगी कि लड़कियां मतलब अगर कुछ मिला तो पेंडू चीजें जरूर दिखा देंगे। हाँ ये अच्छी चीज ना मिली तो पेंडू चीज जरूर दिखा देंगे कि पेंडू चीजें कौन सी है जो अवॉइड करनी है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और टिकटॉक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे यार जरूर फॉलो करो। एनीवेज आई विल सी यू टीजे मैक्स पे। भाई बॉयज एंड गर्ल्स सीन है कि हम आगे हैं टीजे मैक्स पे और इतने परिंदे चू 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 कर रहे हैं इस दरख्त के अंदर, और यहाँ पे आपको अपनी बरादरी के लोग नजर आएंगे सारे। मैंने थोड़ा ज्यादा जोर का बोल दिया। पहले दिखाते हैं कि बॉयज की आपको कौन सी चीज डूज एंड डोंट्स करना है, उसके बाद आपको वेमेन वाला सेक्शन दिखाएंगे। ये शर्टें जो है ना सारी, ये आप चेक कर सकते हो, ये अगर आप पहली दफा अमेरिका या कहीं होगे ना आपको बड़ी कूल लगेगी, लेकिन ये पहन के आपसे बड़ा बांदर कोई नहीं लगेगा। दिस इज अ गुड शर्ट, सिंपल नाइकी की शर्ट, ठीक है, जो आप अपने जिम वेयर में पहन सकते हो। एग्जाम्पल्स आपको दिखा रहा हूँ, येस एंड नो, ये कभी नहीं पहनना आपने, व्हाट द फक इज दिस, ये देखो जरा ये क्या है, इतना गंद उस पे मजा आ रहा है। टाइमलेस क्लासिक प्लेन शर्ट, इसने तो एंड्रयू टेट भी पहन रहा था। हाँ ये क्या है, ये मैं बहुत बच्चों को देखता हूँ ऐसे पहनते हुए, ठीक है। सटल कलर लो, सेफ कलर होता है, ठीक है। हर बंदे के ना वार्डरोब में एक व्हाइट बटन अप शर्ट उनके पास होनी चाहिए जो उनको फिट करे, सही फिटिंग होनी चाहिए, ताकि आप जीन्स के साथ भी, अपनी ड्रेस पैंट्स के साथ भी और कोट के अंदर भी कवर कर सकते हो। देन आई रियली लाइक दीज शर्ट्स टू, जिनके ये होते हैं जिपर्स होते हैं अपर, ये बिजनेस कैजुअल में बहुत अच्छी थी, ऑल्दो ये शर्ट बहुत गंदी है। अब ये देखो, अब आप में से जो होंगे ना ये फैमिली गाय के और ये रिक एंड मॉर्टी के, कहेंगे वाओ क्या कूल शर्ट है, पहनूंगा मेरा बड़ा स्वैग बनेगा, इतने ये लगोगे ना पहन के। अब लोग कहेंगे नहीं नहीं बड़ा कूल है, नहीं यार देखो अपने जो कार्टून वाले इंटरेस्ट वाली चीज होती है अपने तक ही रखनी चाहिए। कभी मुझे देखा कि मैं कोई डिजिमोन की शर्ट पहन के फिर रहा हूँ या कुछ, वो है मुझे, आई लाइक डिजिमोन, आई लाइक नारुतो, बट शर्टें नहीं पहनता मैं उसकी, किल्स योर स्वैग। हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट फिजा ने लिया कि जब आप लोगोस देख रहे होते ना, ये अब ये इतना बड़ा चीता क्यों बनाया हुआ है उसके ऊपर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ गुड टी शर्ट। जो पोलो शर्ट्स होती है ना, इनका एक होता है कि अगर आपकी बॉडी बहुत थोड़ी अच्छी बनी हो ना तो आप अच्छी लगी, ऑल दो स्टिल अगर आपकी बॉडी नहीं भी अच्छी ना तो इनको टक इन करके पोलो शर्ट्स को पहना करो, इट विल लुक गुड। जैसे कि ये शर्ट है ना, ये भी नहीं अच्छी, इट्स कूल एंड ऑल, बट ये जो साइड में पॉकेट बनी है उसके ऊपर कुछ लगा हुआ है, यू विल लुक लाइक वेरी नॉर्मी। इनफैक्ट उससे अच्छा ये अच्छी शर्ट है, अगर तुमने ब्राइट कलर पहने ना तो पिंक में ऐसी कोई शर्ट, ये अगर तुम लोगों ने पहनते हुए देखा ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये सिर्फ ना उन पे अच्छी लगती है जो कोई माफिया वगैरह में है ना, जिनके बालों में तेल लगा होता है, पीछे होते हैं उनके बाल, एक साइड पे गन लगी होती है, उनके रिंगे रुंगे पहनी होती है उन्होंने। तुम माफिया बॉस नहीं हो ना तो तुम लगोगे ये शर्ट, आप देखो कि इस पे छोटा सा रोज बना हुआ है, ये थोड़ी क्लीन लग रही है। अब ये चलो ये बोंगी जरूर मारते, अच्छी भली प्यारी सी शर्ट थी, उसके ऊपर ना अपना ये पियोगो लगा दिया। ये एक शर्ट अच्छी है, लुक्स प्लेन एंड सिंपल बट इट विल आल्सो लुक नाइस। अभी ना स्टोर बंद होने वाला है 25 मिनट के अंदर ना, तो उन्होंने वो ड्रेसिंग रूम बंद कर दिया, लेकिन ना मैं शर्ट ना छुपके से बदल के आपको दिखाता हूँ। मैंने 3-4 शर्ट देखी है, पैंट्स नहीं मैं देख सकता, ऑब्वियसली सबके सामने उतार दिया तो लोग यू नो। फिर घर जाके ना मैं आपको अपनी वार्डरोब का रिव्यू कराता हूँ सारा, और उसमें से ना कुछ कॉम्बिनेशन पहन के दिखाऊंगा कि कौन सी चीज आप मैच कर सकते हो। इसके बाद फिर हम थोड़ा सा फिजा वाले लड़कियों वाले कपड़ों पे भी बात कर लेते हैं, पहले मैं जल्दी से आपको पहन के दिखाता हूँ। बिल्कुल $15-16 की मैंने शर्ट पकड़ी यहाँ से, अब मैंने बेल्ट पहनी होती तो उसको मैं टक इन करके भी अंदर कर सकता था। लुक्स कूल, लुक्स सिंपल, लुक्स क्लासी, ठीक है। अब शर्ट नंबर 2 बॉयज एंड गर्ल्स, ये बताओ मेरी शर्ट कैसी लग रही है? थोड़ी सी ये टक इन होके अच्छी होगी। तो ये सिंपल स्टाइल है, कोई इसमें हुहा नहीं चल रही, ठीक है। शर्ट को बाजू को अच्छी फिट हो रही है,
बॉडी को अच्छी लग रही है, इसलिए मैं कहता हूँ कि बॉडी पे थोड़ा सा अपने काम कर लो। जो कपड़े लेने जाते हैं उनको थोड़ा सिंपल और अच्छा रखो, क्लासिक अच्छे लगोगे सब में। सिंपल मैंने उठाई थी ठीक है रैक में से, इन ऐसे कपड़ों की रैक में से। अब अगेन आप ये ना कहना कि यार बॉडी सही है तो अच्छी लगती चीज़ नहीं, प्लेन चीज़ अगर आप थोड़े से ओवर वेट भी हो ना ये भी पहनोगे, टक इन करके अच्छी सी वॉच साथ पहनो, अच्छी से आपकी फिटिंग वाली जीन्स हो, नीचे अच्छे से शूज पहने हो, परफेक्ट फॉर अ गुड डेट। किसी कैजुअल दोस्तों के साथ हैंग आउट करने जा रहे हैं, द लास्ट शॉट इजी सीन है, कोई मसला ही नहीं बॉयज गर्ल्स ठीक है। बिफोर इट्स टू लेट वुमेन का सेक्शन जल्दी से देख लेते हैं वहाँ पे, कुछ अच्छा है नहीं वैसे मैं पहले कुछ भी। तो उसमें फिजा बस बता देना कि उसमें से क्या क्या चीजें बुरी है, पेंडू लगते हैं ठीक है। ये हाईलाइटर बनने का आपके बारे में क्या ख्याल है? इस तरह के कलर्स बिल्कुल नहीं, ये भी बहुत बुरा है अजीब सा। नहीं टाइट चीजें पहनना छोड़ दो सबसे पहले लड़कियों के लिए। आई डोंट नो व्हाई देयर इज अ ट्रेंड कि आप जितना टाइट पहनोगे उतने मॉडर्न लगोगे, इट्स नॉट। आई थिंक जो लड़कियों ने प्रॉपर जिम किया होता है ना वो टाइट पहने, दैट्स अनदर थिंग, वो फिर भी सही लगती है मैंने देखा। लेकिन जिन्होंने अपनी सही बनाए होते हैं टांगे वांगे नहीं अच्छा लगता। अच्छा आजकल इसका बड़ा फैशन है, बट इट्स लाइक वेरी हॉट टू कैरी एंड इट डजंट लुक गुड। ये देखो जरा सारा अंदर से देख लो। ऑब्वियसली पीपल वेयर समथिंग इनसाइड। ओह अच्छा अच्छा ये तो उसने पहनी होती है, वो है हैरी पॉटर में वो जो होती है अम्ब्रिज, ये वो ली है। ये कैसा है लड़कियों? अच्छी इस तरह की पैंट्स ने देखो, संजनो देवी और संजनो। वैसे ओवरऑल ये कलर सेफ है एंड लुक्स गुड, वाइब स्ट्राइप्स अच्छी हैं। हाँ ये भी अच्छी शर्ट है, अगर ये लड़कियों ने पहननी हो ऐसी लुक्स कूल। लंबी शर्ट्स खुली खुली पजामा। और ये देखो कॉल गर्ल होती है उन्होंने पहना होता है ये तो। अब लोग कहेंगे मूसा भाई आपको बड़ा पता है। बात तो सही है। तो लड़की तो मैं बहुत एंजॉय करा दी, अब ज्यादा फ्री नहीं होना आपने ठीक है। एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये कि अब सब घर जाके मिलेंगे, मैं घर जाके ना आपको अपनी वार्डरोब दिखाता हूं। सी यू देयर। हां भाई बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये कि अब हम आ गए हैं वापस, इट्स यू एंड मी अलोन। ये वाले जो सारे कपड़े हैं ये मेरे इधर लगे हुए हैं, आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा कपड़े लगे हैं, इसमें से कुछ ऐसे हैं जो मैं पहनता ही नहीं हूं। एक और बात जो मजे की, कुछ लोग मुझे कहते हैं यार मूसा भाई वो जिम वाली शर्ट पहन दो। भाई ये देखो ये सारी काली शर्टें जो लाइन में लगी हुई ना सारी वो लिया है मैंने, कुछ छह रखी हुई जिम वाली शर्टें। जो मेरी कंप्रेशन शर्ट है वो मैं मतलब रोज ही वो सेम पहनता हूँ, डिसीजन फटीक को अवॉइड करते हैं। अभी तो आज जो आपने देखी थी पैंट वो मैंने पहनी हुई है, उसके अलावा मेरे पास ये है खाकी पैंट जो आप चेक कर सकते हैं। तो टू ड्रेस पैंट्स एज यू कैन सी, ये जल्दी से मैं आपको तीनों पहन के दिखा देता हूँ इस शर्ट के साथ कैसी लगेगी। ये जो खाकी पैंट है ये इस तरह लगती है दूर से, पीछे से फिटिंग देखो कितनी अच्छी है। ये तो मेरी ऐस का कमाल है लेकिन फिर भी उसके अंदर मैं काफी अच्छा लग रहा हूँ। ओवरसाइज टी के साथ और इसके साथ ये मैंने खाकी पैंट पहनी है। अब आप लेंथ चेक करो उसकी, उस पर आपने गौर करना, नीचे नहीं जा रही ज्यादा, मतलब कि यहाँ पे इकट्ठी नहीं हो रही, क्योंकि जब इकट्ठी होगी ना तो फिर आप जो फॉर एग्जांपल कोई छोटी हाइट के तो वो छोटा लगेगा, लंबी हाइट वाले भी है ना उन पे भी इतनी अच्छी नहीं लगती, या तो एंकल्स तक या तो फिर थोड़ा सा एंकल से नीचे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बूट पहनो तो अगर आप चेक कर सकते हो, मैंने भी लेसेस नहीं बांधे पहन के, लेकिन ये जूते देखो जो आपकी पैंट होती है ना वो बिल्कुल एडजस्ट उस पर प्रॉपर होती है, तो ये कितना कूल लग रहा है अगर आप चेक कर सकते हो। ये देखो जरा परफेक्ट फॉल आ रही है उसके ऊपर, ना ज्यादा नीचे सैग हो रहा है ना ज्यादा ऊपर ऊंची गई हुई है ठीक है। तो बॉयज एंड गर्ल्स ये चेक करो जरा, अब हम दूसरी पैंट पे शिफ्ट मारते हैं। तो जैसे आप ये पैंट चेक कर सकते हो थोड़ी ड्रेसियर लुक में आ जाती है, बट नॉट कम्प्लीटली ड्रेसी क्योंकि है ट्राउजर वाली पैंट है, लेकिन ड्रेस पैंट वाली लुक है। अगेन अगर आप लेंथ चेक करो तो बिल्कुल ये एंकल तक आ रही है, और अगेन अगर इसके साथ मैं शूज करूँ तो एज यू कैन सी बॉयज एंड गर्ल्स सेम शूज मैंने इसके पेयर किए हैं, लेकिन कितने कूल लग रहे हैं ठीक है। एंड यू कैन सी मैंने सेम आउटफिट के साथ इस दफा मैंने रखे हैं चेल्सी बूट्स। और आप कह रहे होगे यार आप तो बूट्स ही पहने जा रहे हो, हमारे पास बूट्स नहीं है। नीचे मैं आपको लिटरली स्नीकर्स भी पेयर करके दिखा सकता हूँ। This is how you look. Now let's say for example, अगर आप you know कोई अच्छी जगह पे जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने, हाई एंड रेस्टोरेंट पे या पहली डेट या कुछ इस तरह का सीन है, इसी पैंट को रखते हुए मैं ऊपर शर्ट चेंज करता हूँ और नीचे शूज चेंज करके आपको दिखाता हूँ एक और लुक। नोटिस करो जरा, साथ मैंने वही पैंट पहनी हुई है लेकिन ऊपर बस शर्ट चेंज कर लिया और नीचे शूज चेंज कर लिए, एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स वॉच भी बदल लिए ठीक है। नीचे से अगर चेक कराओ तो तो फिजा अगर मैं पहली डेट पे तुम्हारे साथ रिश्ता बन के आऊं क्या तुम लेकिन ये देखो कितना कूल सेक्सी आउटफिट है भाई, सिर्फ जूते बदले शर्ट बदली घड़ी बदली है। बॉयज एंड गर्ल्स एज यू कैन सी ये मेरी वन ऑफ द मनपसंद शर्ट्स है, लेकिन आपको टी शर्ट भी पहन सकते हो नॉर्मल, लेकिन मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ मैंने क्या चेंज किया। तो अगर आप कंप्लीट आउटफिट दूर से देखो तो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक ठीक है। घड़ी मैंने अगेन चेंज कर लिया, ब्लैक और ग्रीन गोज़ गुड।
बजवर्ड, चीज वो पहनो जो आपके ऊपर बॉडी को हक करे, फिट करे. इट कुड बी एनीथिंग एंड इट शुड बी क्लीन. ये मेरे बात का क्रक्स है कि क्लीन चीज होनी चाहिए. सिंपल प्लेन टी शर्ट लेकिन आपकी बॉडी को अच्छा फिट हो. पैंट्स भी हैं तो सिंपल क्लासिक रखो, बॉडी को अच्छा फिट हो. इससे ये होता है कि आप पॉप आउट ज्यादा करोगे एज अ पर्सनैलिटी. खैर अभी आउटफिट के लिए इतना ही, बहुत लंबी वीडियो बन गई बॉयज एंड गर्ल्स. लेकिन अगर आपको दोबारा ऐसी कोई आउटफिट वीडियो चाहिए हो या और आपको चाहिए कि मैं आउटफिट्स वगैरह बनाऊं, देन श्योरली आई विल डू दैट. बट एनीवेज फॉर नाउ वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. टिकटॉक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं. एनीवेज बॉयज एंड गर्ल्स, आई विल सी यू.